कचौड़ी समोसा या हो ब्रेड पकौड़ा सब भूल जाएंगे जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे आज से पहले आपने ये कभी नहीं बनाया होगा ना ही आपको ये बाहर खाने को मिलेगा क्योंकि ये बिल्कुल नया नाश्ता है और आपको बहुत पसंद आएगा और बनाना तो एकदम आसान है तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पे तीन से चार ब्रेड ले लेने हैं और इस ब्रेड को हम सीधा डाल देते हैं ग्राइंडिंग जार में इस ब्रेड का हमें चूरा तैयार करना है तो बस आपको ड्राई ब्रेड को इस तरह से ग्राइंड कर देना है हाथों से तोड़ के इसे ग्राइंडिंग जार में डाल दें और बस मिक्सी को एक से दो बार चला देंगे तो इसका चूरा तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड का हमने चूरा तैयार कर लिया है जैसे ब्रेड क्रम्स हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये चूरा तैयार हो गया है इसे हम साइड रखते हैं इधर ले लेते ले हैं बॉइल पोटेटो उबाल के आलू आप ले लें और इसे इस तरह से मैश कर दें आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं तो मैश करना ज़्यादा आसान होता है तो अच्छे से हमने आलू को मैश कर दिया अब आपको प्याज डाल देनी है यहाँ पे चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं प्याज नहीं पसंद है तो प्याज को स्किप किया जा सकता है फिर हम डाल देते हैं हरी मिर्ची हरी मिर्ची अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें साथ ही में डाल देते हैं जीरा जीरा से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा और चाट मसाला डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर कोई और मसाला नहीं डाला है आप चाहें तो डाल सकते हैं इसे मसालेदार बना सकते हैं बेसिकली ये स्टफिंग है साथ ही में मैंने धनिया डाल दिया है जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा अंदर से और साथ ही में अब डाल देते हैं ये जो हमने ब्रेड का चूरा बना के रखा था वो सारा डाल देना है फिर आपको डाल देना है नमक तो स्वाद के हिसाब से नमक डालें हमने चार ब्रेड का चूरा तैयार किया था और छोटे साइज़ के पांच आलू लिए थे तो ये मेज़रमेंट है अगर आप ज़्यादा या कम नाश्ता बना रहे हैं तो अपने हिसाब से कम बढ़ा सकते हैं अच्छे से आपको मिक्स कर देना है हम इसे हाथों से मिला देते हैं बस आपको मिक्स करना है बहुत ज़्यादा तेज़ हाथों से प्रेस नहीं करना है नहीं तो आलू और प्याज का जो है मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और फिर ये बहुत ही गीला हो सकता है तो बस आपको इसे मिक्स ही करना है ज़्यादा इसे हाथों से दबाना नहीं है और जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए वेल well कम्बाइंड हो जाए उसके बाद आपको इसका एक शेप दे देना है जो भी आप शेप चाहते हैं और ये दिखने में अच्छा लगता है आप चाहें तो टिक्की की शेप दे सकते हैं या लंबा शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद है वैसे ही यह तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से मैंने इस तरह से, से गोल शेप दे दिया है तो सेम इसी तरह से सारा ये नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं जैसे कैप्सिकम डाल सकते हैं गाजर डाल सकते हैं जो सब्जी आपको पसंद हो अब आपको ये इस तरह से प्लेट में रख देना है इसका हम तैयार कर लेते हैं एक बैटर हमें इसे बैटर में डिप करना होगा तो बैटर रेडी कर लेते हैं बैटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है एक चौथाई कप आप चाहें तो आटा ले सकते हैं ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है क्योंकि मैदा में ज़्यादा क्रिस्प होता है तो वो टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छा लगेगा आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो जो घोल में है लम्ब पड़ जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके इसको स्मूद कर लें उसके बाद आप पानी और बढ़ा सकते हैं तो अच्छे से पहले हम इसे मिक्स कर देते हैं ताकि ये जो हमारा बैटर है ये स्मूद हो जाए तो इसे लगातार आप चला लें और आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना स्मूथ हो गया है अब आप पानी और डाल सकते हैं आप कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इसमें लम्ब नहीं पड़ेंगे हमें थोड़ा पतला ही घोल तैयार करना है ज़्यादा थिक आप थिक भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा पतला ही कर रही हूँ और घोल हमारा तैयार हो गया है बाकी की चीज़ें हम और डाल देते हैं क्योंकि घोल को भी थोड़ा सा फ्लेवर देना है ना नहीं तो बहुत प्लेन सा हो जाएगा तो हम इसमें क्या करते हैं हरा धनिया डाल देते हैं हरा धनिया से दिखने में भी अच्छा बनेगा नाश्ता हमारा और टेस्ट में भी और नमक भी डाल देते हैं अगर आप नहीं नमक नहीं डालेंगे तो ये बाहर से बहुत ही फीका सा लगेगा इसकी जो लेयर है थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है आप देख सकते हैं घोल हमारा तैयार हो गया है एकदम सिंपल सा है अंदर का भी ये जो स्टफिंग है हमारी एकदम सिंपल है आलू की और ब्रेड की ज़्यादा कुछ ऐसा मिर्च मसाला नहीं है इसमें बहुत ही सिंपल सा और बढ़िया सा नाश्ता तैयार होता है हमने इस नाश्ते को इस बैटर में डिप कर लिया और सीधा पैन में डाल देते हैं पैन में तेल पहले से ही गरम कर लें और इस नाश्ते को सीधा डाल दें इसमें मैं इसे एक तरीके से शैलो फ्राई कर रही हूँ आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं तो आप अगर कम तेल लेना चाहते हैं तो इसे शैलो फ्राई कर लें इसे आपको अच्छे से दोनों तरफ से हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर देना है बेसिकली जैसे कि मैंने बताया आप शेप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं मैंने इसे इस तरह का शेप का बनाया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है हर तरफ से हमने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बाहर की लेयर तो एकदम क्रिस्पी दिखाई दे रही है अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे हम बाहर निकाल देते हैं आपने देखा फ्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कोई ये नाश्ता बिखरा नहीं है कुछ नहीं होगा बहुत आसानी से बन जाएगा और इसे मैंने निकाल दिया है और सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ क्योंकि ये इसी के साथ बहुत अच्छा जाता है आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें बनाना एकदम आसान था और बिल्कुल नई रेसिपी है अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें